यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए इसी बीच सीधा रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का, जो कि गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों पर अब प्रशासन बड़ी कार्रवाई करेगा। अवैध रूप से प्रदूषण फैलाने वाली ये कंपनियां हैं जिन पर अब प्रशासन कार्रवाई करेगा। प्रदूषण फैलाने वाली 20 फैक्ट्रियां जो है वो सील कर दी गई हैं। तो प्रशासन अब सख्त होता नजर आ रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने फैक्ट्रियों के विद्युत कनेक्शन भी कटवा दिए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता संजय मित्तल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है? जी नेहा, ये गाजियाबाद के लोनी के बंसला का इलाके का मामला है, जहां पर एक कॉलोनी के अंदर अवैध रूप से करीबन 25 से 30 फैक्ट्रियां हैं जो अवैध रूप से चल रही थी। प्रदूषण विभाग ने प्रदूषण के चलते हुए इन फैक्ट्रियों को तुरंत सील कर दिया है और तथा उनको बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं। हाँ। तथा उनको सख्त हिदायत दी गई है, अगले आदेश तक फैक्ट्रियों को सील रखा जाए, क्योंकि प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार दिल्ली NCR और खासकर गाजियाबाद में ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो संजय, अब प्रशासन कह सकते हैं कि सख्त होता नजर आ रहा है, 20 फैक्ट्रियां सील कर दी गई हैं। जी बिल्कुल सही, जिस तरीके से प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिला मजिस्ट्रेट के आसपास आदेश है कि बगैर NOC के कोई भी अगर फैक्ट्री चलती हुई नजर आए तो उसको तुरंत सील करके उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उचित कार्रवाई की जाए। तो क्या कुछ अब सख्त कदम प्रशासन की तरफ से संजय उठाए जाएंगे? जी, प्रशासन ने कल रात से बीड़ा उठाया, करीबन लोनी बंथला में 20 फैक्ट्रियों को सील किया गया और आज ये कार्रवाई गाजियाबाद के विभिन्न जगहों पर चलाई जा रही है, जहां पर जो इन फैक्ट्रियों के पास कोई NOC वगैरह नहीं है। हाँ। तो उन फैक्ट्रियों को तुरंत सील करने की कार्रवाई की जाएगी। तो तुरंत सील करने के लिए कार्रवाई की जा रही है, 20 फैक्ट्रियां ऑलरेडी सील कर दी गई हैं। तो तकरीबन कितनी फैक्ट्रियां हैं जो अवैध चल रही हैं, प्रदूषण उनकी तरफ से फैल रहा है, जिसके चलते अब प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर रहा है? जी, गाजियाबाद में अगर हम बात करें, लगभग 10 से 15 हजार फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो घरे छोटे छोटे घरों में मतलब चल रही हैं, गली मोहल्लों में चल रही हैं, रंगाई की चल रही हैं। हाँ। और बहुत से जो केमिकल्स बनाते हैं उनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं। एक टीमें गठित की गई है, वो टीमें उनको चिन्हित करके तुरंत कार्रवाई की बात कर रही है। जी, तो संजय, क्या और फैक्ट्रीज को भी सील किया जा सकता है, क्योंकि 20 फैक्ट्रीज सील कर दी गई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई कल लोनी के बंसला इलाके में की गई है, ये कार्रवाई लगातार कई दिनों तक जारी रहेगी, जब तक प्रदूषण का लेवल कुछ कम नहीं हो जाता, तब तक ये बड़ी कार्रवाई रहेगी। तो जब तक प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो जाता, ये कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं इन फैक्ट्री मालिकों को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया के जो एसोसिएशन है उनको बुला के सख्त हिदायत दी गई है कि रात में एक तो फैक्ट्री को ना चलाया जाए। हाँ। जिस तरीके से कोले का, अन्य चीजों का इस्तेमाल, केमिकलों का इस्तेमाल किया जाता है, उन पर तुरंत रोक लगाई गई है और SDM कई जोनों में बांटे गए हैं जिसमें ये कार्रवाई चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो अवैध रूप से ये जो फैक्ट्रीज चल रही है, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, अब इनके खिलाफ प्रशासन सख्त होता नजर आ रहा है, बड़ी कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है और तकरीबन 20 फैक्ट्रीज को सील कर दिया गया है।